हेलो एंड गुड इवनिंग। अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी BSOC 131, समाजशास्त्र का परिचय। अब इसमें हमने आज की क्लास में कुछ नहीं करना, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वही वही करने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को डिस्कस करना है, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपका 20 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट में जो कल एग्जाम में आपका आएगा, तो कल के एग्जाम की हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे या सब्जेक्ट होंगे हमें सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना है। समाजशास्त्र का परिचय सोशियोलॉजी BSOC 131, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जो टॉपिक है एग्जाम में आने वाले उनके बारे में देखें, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव, ये यूनिट वन है आपका। देखो इसमें 3 ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और एक और ब्लॉक है ब्लॉक 3। ठीक है, तो ब्लॉक 3 ये है, इसमें बुनियादी अवधारणा है संस्कृति और समाज, सामाजिक समूह और समुदाय, संगठन संस्थाएं, प्रगति और भूमिका, समाजीकरण, संरचना और प्रकार्य, सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। ये आपको ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 2 भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध, देखो समाजशास्त्र का मानव विज्ञान के साथ, मनोविज्ञान के साथ संबंध, इतिहास से संबंध, अर्थशास्त्र से संबंध और राजनीति संबंध, इस प्रकार से कुछ हमें बारे में। चलिए अब हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से। अच्छा एक बार, जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हम निकालते हैं, हमने पिछली बार भी जैसे क्वेश्चन निकाले थे, तो एक तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखते हैं, यानी प्रीवियस ईयर या प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन होते हैं ना आपके एग्जाम इग्नू में। क्या होता है, इग्नू के अंदर 2 बार पेपर होते हैं, दिसंबर में और जनवरी में, दिसंबर में और जून में। तो दोनों को ही एक बार इनको भी देख लेते हैं, मतलब एक बार इसको भी देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर जो 2020 जून दिसंबर का है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक विषय क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र के प्रारंभिकता के संदर्भ की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। देखो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 8 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको 5 करने होते हैं, और 5ों क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। तो आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आपने यहाँ से देख भी लिया होगा कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा ये। ठीक है, कुछ पेपर जैसे 50 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये 100 मार्क्स का पेपर आपका आएगा 3 घंटे का। चलिए तो इसमें जल्दी जल्दी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आ चुके हैं। तो ये है आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें दिख रहा है मेरे को, एक विषय के संदर्भ में के रूप में समाजशास्त्र की प्रारंभता के संदर्भ को चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान से आपसी संबंध। ठीक है, वो टॉपिक भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देख लीजिए। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की समानताओं और असमानताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आपका दिसंबर 2020 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन पेपर। राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र किस तरीके से समाज के समाजशास्त्रीय ज्ञान को समझने में अपना योगदान देते हैं, तो इसमें बताना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो समाज के विभिन्न शास्त्रीय विज्ञान को समझने में किस प्रकार से सहायता करते हैं, मदद करते हैं, योगदान देते हैं, ये आपने इसमें पूरा एक्सप्लेन करना है। संस्कृति क्या है, ये भी आपको यूनिट 1 से निकल के आएगा, इसके यूनिट 3 से, यूनिट 3 का क्वेश्चन है इसकी मुख्य, ब्लॉक 3 से, सॉरी ब्लॉक 3 से निकल के आएगा, इसकी मुख्य विशेषता की जांच कीजिए। ये संस्कृति से रिलेटेड है, भाग 2 में है, तो ब्लॉक 3 से आएगा। सामाजिक समूह से क्या आशय है, प्राथमिक एवं द्वितीय गौण समूह को स्पष्ट कीजिए, ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, और जैसे मैंने बताया था टोटल इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सारे नहीं करने, 5 करने हैं। रेड फ्लिक्स ब्राउन द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। इस ये जितने क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा ना, अभी इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उनको जरूर देख के जाइएगा। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख एजेंसियों की चर्चा कीजिए, ये भी 20 मार्क का है। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर का आपने देख लिया, प्रारूप देख लिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका बन के आता है। ठीक है, तो आपने इसमें नोट करने वाली बात ये है कि इसमें आपने ये देखो क्या लिखा है, प्रत्येक भाग में कम से कम एक, कम से कम 2 प्रश्न को चुनना है, यानी और उसके भाग और टोटल 5 करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो पार्ट दे रखे हैं इसमें, एक तो भाग 1 दे रखा है और एक भाग 2 दे रखा है, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन है, इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि मिनिमम 2 तो हर किसी से करने ही करने हैं। ठीक है, देखो मिनिमम 2 इसमें से तो करने ही करने हैं, 2 इसमें से भी करने हैं। अब आपके पास एक चॉइस बच जाती है अब, कि इन 4 में से कोई 2 कर लिए पहले, इन 4 में से कोई 2 कर लिए, एक क्वेश्चन और करना है, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, वो आप इसमें से करो चाहे इसमें से करो, जो उनसे क्वेश्चन आपको आता होगा वो आपने करना है। तो ठीक है, इसको ध्यान से समझ गए आप, 4 में से 2 करने, 4 में से 2, फिर एक क्वेश्चन किसी में से करना है, ये इस तरीके से। अब मैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो कल के एग्जाम में आपको 20 अगस्त मॉर्निंग का जो एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिल सकता है, और सबसे ज्यादा मैंने छांट करके 21 क्वेश्चन सिर्फ रखे हैं। इस 21 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मिलेगा, और वही 5 क्वेश्चन आपने एग्जाम में करने हैं टोटल। चलिए मैं अपने क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने छांटे हैं वो आपको सामने, ये है सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एवं उसके प्रकार बताइए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीक्वेंस में लगा रहे हैं, सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सीक्वेंस में है, आप देख लीजिए। ये 21 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
21 क्वेश्चन से बता रहा हूँ, सिर्फ 21 क्वेश्चन अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके 80% 90% इसी के अंदर एग्जाम में आएंगे। मतलब मेरे 21 क्वेश्चन में से ही आपको मिलेंगे, बट आपको सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ रहे हैं। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एवं इसके प्रकार बताइए। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के माध्यम बताएं। सामाजिक जीवन के परिवर्तन के कारकों के बारे में वर्णन कीजिए। ये 3 क्वेश्चन हो गए, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे आपको और क्वेश्चन बताते हैं जो करके जाने हैं आपने। रेडक्लिफ एवं मेलोस्की का प्रकार्यवाद सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो टाइप में एरर हो सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सिद्धांत बताएं ये इसका मतलब था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सारा एनालाइज करके निकाला गया है सारा चीज। ठीक है, पार्सम एवं रॉबर्ट मार्टन का प्रकार्यवाद सिद्धांत बताएं। ठीक है, तो हर जैसे हमने अलग अलग सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें रेडक्लिफ एवं मोलास्की था, पार्सल एवं रॉबर्ट मार्टन इसके सिद्धांत थे। समाजीकरण के माध्यमों पर चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन था, इसको भी आपने बताना है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गए अभी तक। अभी और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। हर्बर्ट मीड का समाजीकरण सिद्धांत एवं सिगमंड फ्रायर का विश्लेषणात्मक विश्लेषण करते हैं ना, तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत बताएं, ये भी इसमें पढ़ना है आपके। ठीक है, समाजीकरण का अर्थ बताते हुए किसी व्यक्ति के जीवन में चलने वाली 6 समाजीकरण की प्रक्रिया बताएं। तो ये समाजीकरण है, तो समाजीकरण का अर्थ बताते हुए क्या बताना है, 6 समाजीकरण की प्रक्रिया बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भूमिका, संघर्ष और तनाव पर टिप्पणी करना है, ये कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गए हमारे, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इन क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। परिस्थिति का अर्थ बताते हुए लिंकन के अनुसार परिस्थिति का वर्गीकृत बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्स वेबर इरविन गॉफमैन के अनुसार संगठनों का दृष्टिकोण बताना। ठीक है, सामुदायिकता का अर्थ बताते हुए इसके प्रकार बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन और भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 21 को टोटल बताऊंगा मैं आपको। ये देखो, और जो इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक, गौण और आंतरिक बाह्य समूहों का वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। संस्कृति के तत्वों का वर्णन कीजिए, बिल्कुल ये भी इम्पोर्टेंट है। आज ये देखते हैं एक और क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता का मतलब। ठीक है, ये भी बिल्कुल करके जाइएगा, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में आना ही है। ठीक है, सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, ये करना है, बताना है। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर संबंधों पर चर्चा करते हुए समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच अंतर और समानता। देखो, आप मनो ये इस वाले क्वेश्चन करोगे तो 2-3 क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है जी, समाज शास्त्र का इतिहास के साथ संबंध बताना है और असमानता बताना है। तो कहीं हर जगह हर बार क्या करना है, आपको कुछ संबंध बताना है और कुछ असमानता बताना है। तो देखो, आपने 21, 19, 20, 21, ये देखो, ये आपने क्वेश्चन किया था इससे पहले, समाज शास्त्र का इतिहास असमानता ये बताना था, 16, 17, 18, और आपका 19, 20, 21। इतने क्वेश्चन जरूर भी देख के जाइए कल के एग्जाम के लिए, समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध और असमानता। ठीक है, और एक में आपका यह है समाज शास्त्र अर्थशास्त्र के बीच संबंध, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्लॉक 2 में है इसका, ब्लॉक 2 का जरूर करके, समाज शास्त्र और मानव विज्ञान के साथ संबंध और असमानता। तो ये जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको डिस्कस किए। इन क्वेश्चनों को आप जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ इस पे कितने व्यूज, कितने आप लोग कमेंट करके बताते हो, तो फिर मैं इस पार्ट का सेकंड जो है एक थोड़ा आंसर्स वगैरह भी बता सकता हूँ, इसके मोस्ट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये जो समाजशास्त्र का परिचय BSOC 131, इतने क्वेश्चन जरूर जरूर करके जाइएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सबको, थैंक यू।